बॉटनी चैनल की तरफ से आज आपको ग्लव्स का सही तरीका से किस तरह पहना जाता है और ग्लव्स का यूज क्या है और मैन्युफैक्चर में कौन कौन कंपोजिशन होते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इंट्रो, ग्लव्स का इंट्रो, कोई पूछेगा व्हाट इज ग्लव्स, तो सर्जिकल ग्लव्स के बारे में जो बता रहा हूँ, तो सर्जिकल ग्लव्स आर डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब यह एक डिस्पोजेबल और स्टरलाइज ग्लव्स होता है जिसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, जो टेस्ट होते हैं पैथोलॉजिकल, हीमोग्लोबिन टीसी डीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी इत्यादि जो टेस्ट होते हैं, बायोकेमिकल क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल, उसके लिए यूज करते हैं। सर्जरी में जब कोई सर्जरी होता है उसमें ग्लव्स का यूज किया जाता है। और पोस्टमार्टम, मतलब जब पोस्टमार्टम होता है किसी का तो उसमें ग्लव्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर मेडिकल में यूज किया जाता है, जो हमको या जो यूज करने वाले को क्रॉस कंटामिनेशन, मतलब इन्फेक्शन किसी पर्सन को है या पेशेंट को हो या जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसका जो सैंपल का हैंडल कर रहे हैं उससे क्रॉस कंटामिनेशन कंटामिनेशन होने का डर नहीं रहता। ये अलग अलग साइज का आता है, जैसे 6.5 इंच 7.5 इंच 6.5 इंच 7.5 इंच इटीसी का आता है, अलग अलग साइज में ये आता है। अब कंपोजिशन, ग्लव्स बना किससे होता है, तो ग्लव्स में कंपोजिशन में है कि यह डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स, इसमें लेटेक्स का, मतलब रबर का जो एक तरह का होता है नेचर, उसका इंक्लूड होता है। यहाँ लिखा हुआ पॉलीमर इंक्लूडिंग लेटेक्स, नाइट्राइल रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड नियोप्रीन, इतने इनके कंपोजिशन में होता है। उसके अलावा ग्लव्स में देखेंगे कि जब ग्लव्स पहनते हैं तो हाथ में पाउडर जैसा सबस्टांस लग जाता है, तो पाउडर और अनपाउडर दो तरह के ग्लव्स आते हैं। तो पाउडर ग्लव्स में जो रहता है कॉर्न स्टार्च रहता है और लुब्रिकेंट रहता है, जो ग्लव्स को इजियर से पहनने के लिए इजी बनाता है। और कॉर्न जो स्टार्च रहता है वो टिश्यू में इरिटेशन जो होता है, तो उसमें इरिटेशन मान दे मतलब खुजली, इस सब से बचाने के लिए काम में आता है। उसके साथ लाइकोपोडियम पाउडर और टॉर्क पाउडर भी रहता है। इसके अलावा अन पाउडर ग्लव्स स्पेशल टेक्निक से मैन्युफैक्चर प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो ग्लव्स के इरिटेशन से बचने के लिए उसमें कॉर्न पाउडर मिलाए जाते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर भी रहते हैं। अब ग्लव्स पहनने के लिए इसको यहाँ पर कट का निशान होता है, यहाँ से इसको पन्नी को हटाएंगे और ग्लव्स को बाहर निकालेंगे। फिर ग्लव्स को अंदर एक कवर होता है उसको भी खोलेंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, कौन ग्लव्स राइट हैंड का है और कौन लेफ्ट हैंड का देख रहे हैं, उस तरह हम लोग पहनेंगे इसको भी। इस तरह ग्लव्स को खोल लेते हैं, इस तरह एयर से फूकते हैं तो फूकने पर ये इस तरह हो, तो ये देख रहे हैं आसानी से पहले एयर से हम उसको क्लियर कर लेंगे और फिर पहन लेंगे। उसी तरह दूसरा ग्लव्स, इस तरह यह क्लियर, इस तरह ग्लव्स को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, उसके बाद ग्लव्स को पहना जाता है। तो आसानी से आप ग्लव्स पहन लेंगे। अतः अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।